नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। जेल आईजी देवेश सेहरा रविवार को बक्सर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय जेल ओपन जेल का जायजा लिया। उनके साथ सदर एसडीओ धीरेंद्र कुमार मिश्रा, डीएसपी गोरखराम आदि केंद्रीय कारा तक गए। इस दौरान उन्होंने जेल अधीक्षक से लेकर सभी कर्मियों, जेल की व्यवस्था, परिसर एवं कैदियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। फिर वहां से जिला अतिथि गृह चले आए, जहां उनका अभिनंदन जिलाधिकारी अमन समीर, एसपी नीरज कुमार सिंह ने किया। उन लोगों के साथ उन्होंने गहन मंत्रणा की। जाने से पहले मीडिया के साथ भी उनकी बातें हुई। बातचीत के क्रम में जब पूर्व में अपराधी संदीप यादव और भोजपुरी स्टार खेसारी यादव के संवाद का वीडियो वायरल होने से संबंधित मामले पर मीडिया ने उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने कहा इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन ने बनाई है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ मामलों में की और चर्चा करते हुए उन्होंने कहा अक्सर वीडियो पुराने होते हैं, इस वजह से भी कोई थोड़ी असुविधा होती है। फिलहाल मीडिया के साथ जिला अतिथि गृह में हुई उनसे बातचीत के मुख्य अंश। निरीक्षण जो है सामान्य बिंदुओं पे होता है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो नियम कानून फॉलो होने होते हैं वो होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या हाल है। निरीक्षण दो पर्पज़ से होता है, नॉर्मली कि जो सिस्टम है वो सुधरे, और दूसरा उस इनपुट्स को हम कैरी फॉरवर्ड करके बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं अदरवाइज जो हम लोग को सोचना है वो उस बिंदुओं पर सोचे। तो कोई ऐसा जिसे सामान्य निरीक्षण का होता है, इट इज़ नॉट नथिंग अनयूजुअल। सर, जेलों से ऐसा देखा जा रहा है कि जेल से अपराधी निर्देश देते हैं अपने गुरुओं को और बाहर में घटनाएं होती है, इसको आप कितना सक्षम दिखाते हैं? इस टाइप के जितने भी मामले आए हैं उन मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई भी हुई है। कई जेल सुपरिटेंडेंट्स पे कार्रवाई हुई है, कुछ सस्पेंड भी हुए हैं। सरकार ने भी इस पर बहुत फोकस एरिया है सरकार का, जेल्स का। जहाँ तक प्रेजेंस और होम डिपार्टमेंट का सवाल है, निरंतर कलेक्टर्स और एसपीज मेहनत कर रहे हैं और निरंतर जेल्स पर रेड भी हो रही है और निरीक्षण भी हो रहे हैं। रेड और निरीक्षण दोनों जो है इम्प्रूवमेंट के लिए और जो क्राइम कंट्रोल का एक पहलू ही है। सर, छापमारी के बावजूद भी वीडियो वायरल होते जाते हैं। देखिए, वीडियो वायरल होना और छापामारी में ऑफन इट इज़ फाउंड कि वीडियो पुराने हैं। कई मामले ऐसे हमारे संज्ञान में हैं जहाँ की वीडियो पुराने हैं, लेकिन छापेमारी निरंतर होती रही और होती रहेगी, और कलेक्टर्स और एसपीज की तरफ से पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सेम सरकार की तरफ से और होम डिपार्टमेंट भी और हमारा आईजी प्रिजनर जो डायरेक्टरेट है, हम लोग भी निरंतर इस पर नज़र रखे हुए और ये घटनाएं घटेंगी एंड कंप्लीट कंट्रोल एंड कमांड रहेगा। देखिए, जो भी सिस्टम्स हैं उस सिस्टम्स में जो कमियां हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरी होती है, ठीक होती है। उसमें दो तरह के हैं, एक तो करेक्टिव मेजर होता है और एक क्यूनिटिव मेजर होता है। क्यूनिटिव हो गया कि जिसके कारण या जिस लूपहोल के कारण हुआ उसमें हम सजा दें, और प्यूनिटिव करेक्टिव हो गया कि उस लूपहोल को आइडेंटिफाई करके उसको प्लग करें। ये सिस्टम्स हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा है, कोई जेल्स के लिए यूनिक नहीं है। बट जेल्स में ये है कि सरकार का ध्यान स्पेशली है एंड वी विल मेक श्योर कि इट डज नॉट हैपन। सर, पिछले दिनों देखा गया, पिछले महीने की बात है, बक्सर का एक कुख्यात अपराधी भोजपुरी सिंगर से वीडियो को जो बात किया था उसके वीडियो काफ़ी वायरल जी, क्या हो रहा है इसमें? जो भी रिपोर्ट्स हैं कलेक्टर साहब के यहाँ से ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आई एम राइट, उसी पे जो कार्रवाई होगा, वी विल टेक एक्शन एज पर द रिपोर्ट दैट आर अवेलेबल विद अस। थैंक यू। दोपहर बाद आई बैठक के उपरांत यहाँ से पटना के लिए रवाना हो गए। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।